वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रियान शर्मा। आज का जो ब्लॉग होने वाला भाई बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, इस ब्लॉग में वो मजे आने वाली है बहुत तगड़ी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली क्या है ना, आज जो ब्लॉग है जिस पर्पज से है, हम बाहर जाएंगे हाथरस। हाथ में थोड़ा सा मस्ती है क्योंकि मैं आपको वहीं जाके पता चलेगी क्या चीज़ें कैसे। तो मैं रेडी हो रहा हूँ, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो पूरा। बस मुझे शूज़ हैं, शूज़ डालने, सूट डालने के बाद मैं निकलता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ छोटू, बहुत दिन बाद छोटू। तो आपको पता है, चल ही जाएगा मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक्चुअली वो आप वीडियो में देख लेना कि आज का जो प्रोग्राम है पूरा सेट है, और ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, नॉर्मली 8 या 10 किलोमीटर है। आज का जो प्रोग्राम है आपको वीडियो में आगे पता चलता रहेगा क्या प्रोग्राम है, कैसे क्या है, जो भी है। तो बस वहाँ पहुँचते हैं। मुझे घर से निकले हुए हैं यहाँ बस खाली अभी 5 मिनट। अभी टाइम हो रखा है 9:30। तो आई थिंक हम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जहाँ हमें पहुँचना है। हाथरस ओनली यहाँ से है आपका 6 किलोमीटर अंदर। अगर अंदर हम सिटी में जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, तो हाथरस आपका है 6 किलोमीटर, फैजाबाद है 25 किलोमीटर, और ये आपका यहाँ पर है बाईपास, जिसे हम बोलते हैं हाथरस बाईपास। अब हाथरस बाईपास हमसे क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूँ। हाथरस बाईपास हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस वाले रोड से जाओगे, ये बाईपास है, आप सीधे आगरा मथुरा के लिए आप यहाँ से निकल सकते हो। आपको सिटी में अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हाथरस में कोई काम नहीं है तो आपको सिटी में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कितना एक्सीडेंट हो रखा है, यार कहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप इधर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे, तो आपको अंदर सिटी में काम है, तो आप सिटी में अंदर एंटर कर सकते हैं सिटी में जो काम। और मैं आपको बता दूँ, हम आए हुए हैं हाथरस मंडी, और उसमें क्या हुआ वो आपको वीडियो में पता चलेगा मंडी में क्या होता है। लोग आप तो यही सोच रहे होंगे मंडी में सब्जियां खरीद जाती हैं, और क्या नाम है, अनाज अनाज जो कुछ है वो बेचा जाता है, बेचते हैं। पहुंच ही चुके हैं, ओनली हमको 1 मिनट ही लगेगा वहां पर पहुंचने वाली हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए हम मिलते हैं आपको वहीं पर। मैं आपको बता दूं, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी, वहाँ पहुंच चुका हूं मैं। अभी मैं वॉशरूम के लिए आया था क्योंकि मुझे थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट लगाया था, तो वहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी काफ़ी तेज़, तो इसलिए वहाँ पर मैं टॉयलेट में वॉशरूम में आया हुआ हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हीरो वालों की तरफ से जो आपकी बाइक है हीरो XT 160R, उसका थोड़ा सा इवेंट्स हो रहा है छोटा सा, तो उसे हम मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखते हैं वहाँ कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ पता। और फाइनली जो हमें ना, वो जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, हमारी होने वाली है रेस, जो हीरो कंपनी की तरफ से रेस करने वाले हैं। तो मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ बैक कैमरे से, आप देख सकते हो। एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ बना रखी है उन्होंने, यहाँ से पूरा ये रेस ट्रैक है सामने से, और ये एंड वहाँ तक उस जगह का आप देख सकते हो। अभी स्टार्ट हो गया, अभी टाइमिंग आई थिंक हुआ नहीं है, अभी 10:30 बजे, 10:30 ये काउंटर बना रखे हैं आई थिंक सब चीज़ के लाइक दिस। यहाँ पे LED में देखने के लिए शायद कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, उस साइड एम्बुलेंस भी बाइक खड़ी कर रखे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो रेस होगी वो XT 160R, ये आप देख सकते सामने, ये है ट्रैक, ये हमारे दर्शक बैठे हुए हैं देखने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा इवेंट्स है जो एक्स ड्रग्स की तरफ से हीरो कंपनी अपनी तरफ से करा रही है, बट लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा किसी चीज़ को सेटअप करने के लिए, टाइम तो लगता ही है, बट लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किस तरीके से रेस होगी। और मैं आपको जो बाइक है वह एक्सट्रीम बाइक है 160R, उसकी है ट्रैक रेस जो होगी वो 160R की है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम उसको थोड़ा लगने देते हैं, फिर देखते हैं आगे होता क्या है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना ये? हाँ चलो गुड, इसलिए यहाँ पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन।
तो गाइज फाइनली मैं अपना करा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली अपना कुछ जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, जैसे कि नाम, अपने फादर्स का नाम और अपना पता जहाँ रहते हो, एड्रेस, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना DL। और आपको बता दूँ इसमें अगर हम कंपटीशन में भाग लेते हैं तो DL की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए DL नंबर ज़रूरी है। दिस इज़ माई रजिस्ट्रेशन। ओके, और हाँ फाइनली रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो मुझे एक्स ड्रग का बैंड है वो बैंड मिल गया है, मेरा नंबर है 9। एक्चुअली आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे रेसर खड़े हुए हैं, ये अपना रजिस्ट्रेशन करा के आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर अपना राइडिंग जो गियर है जैसे नी कैप वगैरह, एल्बो कैप वगैरह, यहाँ पर वो पहन रहे हैं, राइड के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो वो जाने वाले ही हैं। राइडिंग गियर पहना दिए हैं तो मैं उसे रेडी कर रहा हूँ और वो रेडी हो चुका है, डन है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, रेस यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से जो एंड है उधर तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। क्राउड काफ़ी है इसलिए थोड़ा भीड़, ट्रैफिक आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ है। ये आपका ट्रैक सर दुश्मन। जो मेरा नंबर है वो आ चुका है। मैं आपको बता दूं मेरे पास जो टैग मिला था, मुझे जो बैंड मिला था वो मेरा 9 नंबर था और मेरा 9वां नंबर आ चुका है। मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे नी कैप हैं मैं उन्हें बांध रहा हूँ टाइट तरीके से, क्योंकि भाई राइड करनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, कि क्या नाम है, कोई गलती हो तो शायद बाद में। ये सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, उसके बाद कुछ और। ओके, पहले आपको सेफ्टी रखनी है, उसके बाद लेस देन कुछ करना है, चाहे आप बाइक राइड करो चाहे कुछ भी राइड करो। सर हैं मैं पूरे गाइड कर रहे हैं, मैं रेस किस तरीके से करनी है और किस तरीके से बाइक को चलाना है प्रॉपर तरीके से। बता दूं हमारी जो रेस है वो हो चुकी है, तो हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, या मतलब आप समझ सकते हैं रेस्ट रूम में, वहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो रहा है, रेस हो ही रही है, कंटिन्यू चल रही है, बट लेकिन मेरी जो रेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब पता चले मैंने कितने सेकेंड्स में पार किए वो मुझे बाद में पता।
कलर बहुत सा अच्छा लगा, इसमें से बहुत सारे कलर हैं, ये कलर सारे कलर प्यारे हैं, रेड भी ब्लैक भी मतलब सारी पहले फोटोकॉपी 100 मिलियन का कार्ड से प्रोडक्शन जब वो ये कलर थे, फर्स्ट कलर ये था, फर्स्ट कलर 100 मिलियन के बाद जो नेक्स्ट गाड़ी बनी ना गाड़ी से फर्स्ट मिलियन बनती गाड़ी तो 100 मिलियन। मेरा नाम है एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया था राइड चल रही है, काफ़ी प्यारी राइड हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो एक साउंड चल रहा है इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई नहीं, अब साउंड हो गया है क्लोज, तो थोड़ा हो सकता है वीडियो शूट हो जाए। जो राइड हुई है वो नेक्स्ट लेवल पर हुई है, आपको मैंने पहले ही वीडियो में दिखाया था ट्रैक आपका ये बना हुआ है, तो यहाँ पर जो SDM थे वो आ रखे थे, इसलिए वहाँ वीडियो शूट किया था, बस खाली बोला नहीं था, तो कोई बात नहीं, बोलेंगे बस बाद में बोलेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आई थिंक मैं बच चुके हैं, मैं आपको बता दूँ 1:30 बज चुका है, तो हम निकलते हैं बस खाली, थोड़ा सा मिल मिल के ही, जैसे मिल रहा है उससे फिर मैं मिलने का, फिर आपको मैं घर पे मिलूंगा। इसमें एक तो ये फ्रूटी होगी और इसमें एक होगा चिप्स पक्का। हाँ बॉक्स तो हमारा वाला ही है, पर ये तुम्हारे यहाँ से नहीं गया कहीं और, जाए हाय छोड़ो ये ले अंकल चिप्स, एक फ्रूटी ओके, एक केक है, ये केक हो गया, केक है और एक बिस्किट है और ये टू चॉकलेट है, 5 पर भाई भाई गॉड सही है, बॉक्स तगड़ा भाई। मैं बता दूं जो इवेंट्स था वो बाइक से पर्पज था, जो आपने बाइक देखी हो वीडियोज में देखी हो 160R जो बाइक है एक्सट्रीम की, हीरो एक्सट्रीम 160R जो बाइक है उसके पर्पज से एक इवेंट था, इवेंट्स ये था, थोड़ी सी रेस थी, रेस इसका दर्जी थी आपको 0 से लेके 60 तक लेके जाना है, काउंट करना है कितने सेकेंड्स में आप उसे लेके जा सकते हो हाई स्पीड, मतलब कम से कम सेकेंड्स में से लेके जाना है, ये सारा था, सारा स्टाफ अपना जानने वाला था, अच्छा था और प्लस जेनुइन थे, जो जितना भी स्टाफ था वहाँ का सारे जो के ओनर थे और प्लस वहाँ सचिन सर सारी चीज़ और नाश्ता वास्ता और सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ मिली हुई है, बहुत ही अल्टीमेट भैया जो सारी चीज़ आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, जय हिंद वंदे मातरम।